हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल अनुपम तिवारी 01 में आपका स्वागत है। हमारे प्रोत्साहन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करना चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के हो। ज्यादा से ज्यादा कार्य करो, घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे आपकी संतानें आपको याद रखे। गीता यही संदेश देती है कि हर पर ऐसा कार्य कर जो तेरे जीवन को सुंदर बनाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान है। धनी यानी शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल निराले हैं। जिस अंबा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे ये प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनितिपूर्वक लेने हड़पने का प्रयास न करें। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल बीता हुआ, कल किसी और का था और कल आने वाला कल किसी और का हो जाएगा। अतः तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल, ये तेरी मृत्यु के बाद यही रखे रह जाएंगे। अर्जित करना है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व अर्जित कर जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान का हो सही क्रियान्वयन। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है, इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी है। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो है तो बड़े ज्ञानी लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू या खब्बू है, या किसी जंगल में धूनी रमाकर बैठे हैं। उनके ज्ञान से न तो परिवार का हित हो रहा है और न समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं अपने मियां मिठा, खुद लिखे और खुद ही बाचे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दंड का डर जरूरी, न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। ये चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न्याय की रक्षा जरूरी। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण से उत्सुक है। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, ये प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग की और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
छिपे हुए को जानने का ज्ञान जरूरी। ये जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता, अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमयी। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।